हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का नोटिफिकेशन है महानगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इन सबको मिलाकर 9 पोस्ट पर वैकेंसी है और उसका नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि रिक्वायरमेंट सीनियर मैनेजमेंट लेवल ऑफिसर, ठीक है। और नीचे लिखा है बैंक का नाम GS महानगर कोऑपरेटिव बैंक अनलिमिटेड। इसके अलावा देखो यहाँ पे पोस्ट की बात कर रखी है, कौन सी पोस्ट है। जो पहली पोस्ट है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की है, वो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। और अगर बात करें पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट, तो इस कैटेगरी में एक पोस्ट है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है वो है जनरल मैनेजर की, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MCOM, CA, CS, CFA, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 5 ईयर बैंकिंग एक्सपीरियंस, और एज लिमिट यहाँ पे बता रखी है कि 35 ईयर्स, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, दो पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है आपके BCOM, CA, IIB, CA, CH, CFA, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल यहाँ पे लिखा है, 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ट्रेजरी लोन, रिकवरी, इन्वेस्टमेंट, लीगल पोर्टफोलियो इन बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज यानी कि 35 साल से ज़्यादा की एज आपके पास, एज आपकी नहीं होनी चाहिए, और नंबर ऑफ पोस्ट है 4। और जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर IT, जिसमें दो तरह की पोस्ट है और उनके अलग अलग क्वालिफिकेशन। जो पहली पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन आपके दे रखी है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो दूसरी पोस्ट है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें क्या होनी चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन 35 ईयर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एक और एक दो पोस्ट, यानी कि टोटल दो पोस्ट हो गई। इसके अलावा सैलरी की बात करें, आपका पे स्केल की, तो ये अभी तक इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि इट विल बी एज पर द बैंकिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि बैंक आपका डिसाइड करेगा यानी कितना आपको पे स्केल रहेगा। और नीचे एक नोट लिखा है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी कि बैंक के एम्प्लॉय है, जो इस एलिजिबिलिटी को अगर फुलफिल करते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये इनके नीचे इनका एड्रेस दे रखा है, आपका इनका ईमेल एड्रेस दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर बात करें लास्ट डेट की, तो आपको 30 अप्रैल 2021 से पहले इसमें अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें। थैंक यू।